हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूसेट 2014 की क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है, द लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल विद अ चेंज इन द कंपोजिशन। तो चेंज इन द कंपोजिशन, तो इसको क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम, ये मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो मिक्सचर होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कंपोजिशन जो है अनचेंज्ड होता है बाय द डिस्टिलेशन, तो इसको एजियोट्रॉपिक भी मिक्सचर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एन एलॉय इज ए होम्योजेनियस मिक्सचर ऑफ, तो ये किसका होम्योजेनियस मिक्सचर है, तो ये होता है टू सॉलिड्स का। जैसे आपके पास स्टेनलेस स्टील है ना, तो ये जो है आपका कॉपर और आयरन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो टू सॉलिड्स का मिक्सचर होता है इसमें, होमोजीनियस। अगला क्वेश्चन है, द हेनरी लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन द, किसके बीच में, तो हेनरी लॉ जो है ये गैस जो डिजॉल्व होती है सोल्यूशन में उसके बीच में देता है रिलेशन। सो द प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज गिवन बाय, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है डेल्टा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, के एफ इंटू एम, तो डेल्टा टी एफ बाई एम इज इक्वल टू के एफ, तो ये के एफ पूछ रहा है, तो डेल्टा टी एफ बाई एम होगा, स्मॉल एम होगा, कैपिटल एम मोलरिटी होता है या मोलिटी होता है। ठीक है, एक्टिविटी कोफिशियंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तो इसके लिए हमेशा एक्टिविटी इनकी वन होती है, ऑलवेज इक्वल टू वन। रेशियो ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ BaCl टू NaCl एंड यूरिया, तो ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे। तो देखो यहाँ कितने हैं, बेरियम 2 प्लस और 2 Cl माइनस, तो तीन है आपके नंबर ऑफ मोल्स, मतलब डिसोसिएट हो रहे जो आए। यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स, 2 हैं। यहाँ पे यूरिया में कोई डिसोसिएशन नहीं होगा तो 1 होगा, तो 3:2:1 होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अ कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो क्यों, कैसे करता है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये है आपका, मान लीजिए कोई नॉर्मल पाथ फॉलो कर रहा है रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो पी और क्यू यहाँ पे आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो अगर कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को, ये एक्टिवेशन एनर्जी है इसको घटा देता है, दैट मींस ये पाथ यहाँ से फॉलो करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी अब ये हो जाती है। ठीक है, व्हेन द सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन इन वन ऑफ द सॉल्वेंट द नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो देखो कोई भी अगर दो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वन और सॉल्वेंट टू, तो यहाँ पर कोई भी अगर सॉल्यूट अगर डिजॉल्व है सॉल्वेंट वन में, अगर उनके बीच में कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट होता है के डी इज इक्वल टू होता है सी वन बाई सी टू। अगर यहाँ एसोसिएशन है तो ये आपका रूट में हो जाता है, मतलब सी वन अपॉन में अंडर रूट सी टू। ठीक है, तो अगर एसोसिएशन होगा तो के डी की वैल्यू होगी सी वन अंडर रूट सी टू एसोसिएशन के केस में। अगर यहाँ डिसोसिएशन है तो के डी की जो वैल्यू होगी ये होगा सी वन अपॉन सी टू वन माइनस एक्स, ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, जो भी सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, तो ये डिसोसिएशन का है, ये एसोसिएशन का है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका ये सी वन इज इक्वल टू अंडर रूट सी टू इंटू के डी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एच, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ये हमारा NaCl है, वाटर में इसको हमने डिजॉल्व किया है, सुपर सैचुरेटेड करना है, दैट मीन्स कि इतना अमाउंट डालना है जब तक कि और डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड ना हो। तो यहाँ पर देखो जब सोल्यूशन रहेगा तो उसमें दो चीजें होंगी, दो फेज होगा, एक तो होगा सोल्यूशन फेज, ठीक है, और दूसरा होगा सॉलिड NaCl, हाँ, तो सॉलिड NaCl भी होगा,
दो फेज यहाँ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो टू फेज सिस्टम होगा। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो टू कंपोनेंट सिस्टम भी होगा। कैसे? कि यहाँ पर एक तो सोल्यूशन का मतलब एक्वस NaCl सोल्यूशन होगा, ठीक है, एक कंपोनेंट वो होगा, दूसरा कंपोनेंट सॉलिड NaCl होगा, ठीक। तो यहाँ दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो दो कंपोनेंट और दो फेज। अगला क्वेश्चन देखो, अ वन कंपोनेंट सिस्टम हैज फोर फेजेस, कैन द फोर फेजेस कोएग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम। तो हम जानते हैं कि अगर वन कंपोनेंट सिस्टम है तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, यहाँ से अगर देखें तो मैक्सिमम कितने फेज एग्जिस्ट कर सकते हैं? तीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, अगर फेज अगर तीन है, कंपोनेंट वन है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होगा। तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि फेज तीन हो सकता है, तो ये नो होगा डायरेक्टली आंसर, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एट ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट मतलब ये होगा, ठीक है, मैंने आप सुबह भी आपको बताया था, तो ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ये वेपर होता है। थ्री फेजेस को एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम, तो बिल्कुल ट्रिपल पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों फेज होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। द रेट लॉ रिलेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर है टू द पावर एन, तो दैट मींस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है रेट लॉ, ठीक है। हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, इफ द कंसेंट्रेशन आफ्टर इतने ईयर्स इज इतना, देन व्हाट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो सिंपल यहां से रेट कॉन्स्टेंट निकाल लो, 0.693 डिवाइडेड बाई के, के की वैल्यू टी हाफ है 2768 ईयर्स, ठीक है। अब टी इज इक्वल टू क्या होता है 2.303, ठीक है, डिवाइडेड बाई के, के की वैल्यू है 0.693 डिवाइडेड बाई 2768 इंटू लॉग ऑफ, क्या करना है, एन जीरो मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, और प्रेजेंट टाइम में कितना है एन, तो एन कितना है 0.0216, ठीक है, और टी की वैल्यू कितनी है 11072, ये वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, तो आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा अराउंड 0.345 आएगा, ठीक है, एक बार इसको आप जरूर सॉल्व करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि अ कैटलिस्ट चेंज द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल, ठीक है, कैसे, इज इंक्लूडेड इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन, नहीं, चेंज इन द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, नहीं, स्लो डाउन द रेट ऑफ ए रिएक्शन, नहीं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, देखो जैसे कि मैंने अभी बताया कि सपोज ये रिएक्शन जा रही है, तो ये यहाँ पर इसका एक्टिवेशन एनर्जी इतना है, तो अब क्या करेगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो अब देखो जो इसके लिए एनर्जी होगी, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए, वो स्मॉल होगी, तो उस चेंज करेगा फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो जो फ्री एनर्जी चेंज होगा प्रोडक्ट के लिए और रिएक्टेंट के लिए, वो इस केस में डिफरेंट होगा विदाउट कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट के केस में डिफरेंट होगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डिस्पर्स्ड फेज इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। कोई भी सोल्यूशन होता है उसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अगर लाइट वहां से टकरा करके स्कैटर्ड हो रही है, तो ये डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट से टकरा करके, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है के बाई सी, ठीक है, के क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अच्छा, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, ठीक है। अब वन बाई आर इज वन बाई, अगर रो कर दूं मैं इधर, ठीक है, इस साइड, और राइट साइड वन बाई आर हो जाएगा, एल बाई ए होगा, और वन बाई रो को मैं लिखूंगा के स्पेसिफिक, ठीक है। तो 1 बाई आर है और L बाई ए, 1 बाई आर को मैं लिख सकता हूँ ओम इनवर्स, ठीक है, और L बाई ए है तो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं SI यूनिट में कर रहा हूँ, तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब देखो ये जो है क्या है, मोल पर लीटर है, ये मोलरिटी है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये होगा मोल, ठीक है, और पर लीटर सोल्यूशन,
एक तरीके से वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में लिख सकते हैं, तो ये सिंपल आएगा मीटर माइनस थ्री। तो आप अगर इससे कैंसिल करोगे तो ये मीटर माइनस टू ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ओम इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, मीटर माइनस टू। अब अगर इसको हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो ये सेंटीमीटर सिंपल आपका हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये मोल पर लीटर है। तो ये एक मिनट, तो ये देखो आप नीचे है मोल पर लीटर, ठीक है, तो वॉल्यूम है मीटर माइनस क्यूब लिखा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ओम इनवर्स ये सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो आपका लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। 52 फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय द कटायन एंड एनायन इस टर्म है, इसको आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। द आयनिक मोबिलिटी ऑफ लिथियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द पोटेशियम आयन, इट इज बिकॉज लिथियम आयन क्या होता है, सॉल्वेटेड हो जाता हैवली हाइड्रेटेड हो जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको आकर के सराउंड कर लेते हैं, इस वजह से ये आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, मतलब इसके आयन का साइज अगर बढ़ जाएगा तो आयन का मूवमेंट स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो द पीएच ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो हमारा कंसेंट्रेशन होता है ना, एच प्लस होता है अंडर रूट आपका के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन में सी। अब इससे ही आप निकाल लो, तो लॉग ले लो, इधर लॉग एच प्लस आएगा, इधर क्या आ जाएगा, हाफ लॉग ऑफ के डब्ल्यू आएगा प्लस 1/2 लॉग ऑफ के ए आएगा, ठीक है, माइनस 1/2 लॉग ऑफ सी आ जाएगा। पूरी तरीके से माइनस ले लो, ठीक है, यहां से प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पीएच, पीएच इज इक्वल टू 1/2 पी के ए, ठीक है, के डब्ल्यू प्लस 1/2 पी के ए प्लस 1/2 लॉग सी, ठीक है। अब यहाँ देखो पी के डब्ल्यू मतलब वाटर का के डब्ल्यू होता है 40, पी के डब्ल्यू तो 14/2 तो 7 हो जाएगा, तो 7 प्लस ये पूरा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड दैट इज द एक्सटेंट टू विच अ रियल गैस डेविएट फ्रॉम द आइडियल, तो ये होता है पी वी बाई आर टी, ठीक है, जेड इज इक्वल टू, तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इंसेक्ट कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर का सरफेस है इस पे जो है कीड़ा रेंग सकता है, ड्यू टू द, क्यों, सरफेस टेंशन, क्योंकि यहाँ फोर्स पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो होता है सरफेस टेंशन, तो उसकी वजह से ये मूव कर पाता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द वैल्यू ऑफ के, क्या है यहाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसको कौन चेंज कर सकता है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है, तो यहाँ पर चेंजिंग टेम्परेचर। व्हाट कॉजेस वाटर मॉलिक्यूल टू हैव अ बेंड शेप अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, तो ये सब जानते हैं क्या है, आयनिक अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं, द अनयूजुअल लोकेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, इंटरेक्शन बिटवीन द फिक्स्ड ऑर्बिटल्स ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अ डेंटल हाइजेनिस्ट यूजेज एक्सरे लैम्डा दिया है टू टेक अ सीरीज ऑफ डेंटल रेडियोग्राफ्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स, तो देखो न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम है, तो ये 10⁻¹⁰ मीटर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 × 10⁻¹⁸ हो जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम वुड एक्वायर द मोस्ट निगेटिव चार्ज इन द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विद द हाइड्रोजन, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। द जेड इफेक्टिव फॉर द 4s इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर, अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए क्या होता है कि हम पहले पेयरिंग करते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 3d10, उसके बाद 4s1, यही होता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास n वाला इलेक्ट्रॉन है ये nh सेल है,
इसमें जैसे वन इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो एक को छोड़ कर देंगे, मतलब जीरो इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा, जीरो इंटू 0.35 होगा, प्लस उसके बाद एन माइनस वन में आएंगे, मतलब डी वाले में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लेंगे, 10 इंटू 0.85, ठीक है, प्लस बाकी जो इलेक्ट्रॉन जितने भी बचेंगे, ठीक है, जितने भी ऑर्बिटल बचेंगे उनके साथ क्या होगा कि आपका ये टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से, ठीक है, जो भी आपका बचेगा। तो सॉरी, यहाँ पे देखो एन माइनस वन था ना, तो ये एन के लिए होता है 0.35, एन माइनस वन के लिए होता है 0.85, तो इसमें हमारा 10 और 6, 16, 16 तो 18 है, ठीक है, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। उसके बाद जो बचेगा एन माइनस टू हुआ, ये एन माइनस टू, तो इसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आएगा आपका 25.3 के आसपास समथिंग आएगा। तो जब इसको आप जेड निकालेंगे इफेक्टिव, तो एटॉमिक जो नंबर है उसका 29 माइनस 25.3 करेंगे तो ये 3.7 के अराउंड आएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कैन नॉट बी डिटरमिंड क्वांटिटेटिवली बाय ग्रेमेट्रिक एनालिसिस। तो देखो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड भी होता है और AgNO3 भी होता है, तो ये दोनों तो यूज किए जा सकते हैं ग्रेमेट्रिक एनालिसिस के लिए, लेकिन पोटेशियम नहीं यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बॉन्ड लेंथ, कंपाउंड विद द स्मॉलर एटम हैव द बिगर बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ, नहीं, कंपाउंड विद ए हायर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड हैव ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये भी नहीं है, बॉन्ड कंटेनिंग एटम विद अ ग्रेटर चार्ज हैव हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये देखो ये सही है सी ऑप्शन, क्योंकि कंपाउंड जो होंगे एटम्स जिनके पास अगर ज्यादा चार्ज है जैसे Mg2+ और N3- है तो इनके बीच में क्या होगा, स्ट्रांग बॉन्ड होगा, ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आल आर आयनिक कंपाउंड, तो यहाँ सारे देखना है, तो जितने भी फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के होंगे वो आयनिक होंगे, तो लिथियम क्लोराइड आयनिक है, K2O आयनिक है और NO2, ठीक है, तो ये भी आयनिक है, तो ये भी NO2 आयनिक है कंपाउंड, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर NO2 है, NO2 क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये मुझे लगता है कि कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, तो ये आयनिक नहीं हो सकता है NO2, क्योंकि तो यहाँ पर कोई मेटल नहीं प्रेजेंट है। और लास्ट अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ CsClO, तो ये CS+ClO- होगा, K+Cl- होगा, ये Mn3+ यहाँ पर O- होगा, तो ये मुझे लगता है कि ये आयनिक कंपाउंड है तीनों, ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट इनकरेक्ट है और डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। विच आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द लीस्ट फॉर द कंपाउंड, तो देखो जिसके बीच में जितना ज्यादा चार्ज होगा ना उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उसका कम होगा और स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा उसके बीच में, मतलब ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल है ना, उसके बेस पे भी समझ सकते हो कि अगर चार्ज कटायन का ज्यादा है, ठीक है, और एनायन का चार्ज जो है ज्यादा है तो वो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो Mg यहाँ पर 2+ है और N3- है, तो ये हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन है, तो ये स्ट्रांग होता है, ऐसी MgO है तो ये भी बॉन्ड स्ट्रांग है, और MgCl2 है तो ये Cl के साइज ज्यादा होने से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो सबसे स्ट्रांग जो है आपका Mg3N2 है, उसके बाद MgO है, फिर MgCl है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला फॉर द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन द मैग्नीशियम एंड द फॉस्फेट आयन, तो सिंपल आपका मैग्नीशियम है तो Mg2+ होगा, फॉस्फेट PO4 3- होगा, तो 3 को यहाँ ले आओ और 2 को यहाँ ले जाओ, तो ये होगा Mg3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस दैट एग्जिबिट मेटेलिक बॉन्डिंग, तो मेटेलिक बॉन्डिंग का क्या प्रॉपर्टी है, तो ये देखो
लो मेल्टिंग पॉइंट ये तो नहीं है इसका, हाई बॉइलिंग पॉइंट ये सही है, रिजिड एंड वर्टाइल तो ये भी है ठीक है, और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ये गलत है, और रिजिड एंड वर्टाइल ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ वो रिजिड भी हो और दूसरी तरफ आसानी से टूट भी जाए, तो ये भी गलत है, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट। विच इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन द बेरिलियम एंड नाइट्रोजन, तो बेरिलियम जो है Be2 प्लस होता है और N 3 माइनस होता है, तो अगर देखें तो Be 3 एन 2 होगा ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन होगा। अगर मैं देखूं 69 का, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेबल हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज फॉल्स, सो देयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आर मोर सिमेट्रिकल देन दोज ऑफ द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, तो यही गलत है इसका ऑप्शन ठीक है, ये ज्यादा सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। मैग्नेटिक मेजरमेंट इंडिकेट दैट CuH2O होल 6 2 प्लस हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मेटल्स ऑर्बिटल इन CuH2O 2 प्लस इज, तो यहां पर देखो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट प्लस 2 में है, D7 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7, तो अब ये क्या होगा कि ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ठीक है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सो दैट्स ऑल गाइस इस वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कल मैं आप लोगों का ये पूरा जो 2014 का क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करा दूंगा। अगर आप लोगों के पास 2015 के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो वगैरह पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो ठीक है।